दोस्तों, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स दोस्त हैं जो डिज़ायर लेना चाहते हैं, वो स्विफ्ट की भी वेट कर रहे हैं कि स्विफ्ट को चलाने या टेस्ट ड्राइव करने के बाद ही वो अपना डिसीजन लें कि स्विफ्ट लेनी चाहिए या डिज़ायर लेनी चाहिए। चलिए, आज की वीडियो में मैं आपसे यही बात करता हूँ, कहाँ कहाँ स्विफ्ट और डिज़ायर बराबर बैठती हैं और कहाँ कहाँ डिज़ायर स्विफ्ट से बेटर निकल जाती है। दोस्तों, मैं हूं सुरजीत पाल और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं बी टेक्निकल विद सैंडी के इस नए एपिसोड। सबसे पहले तो सॉरी दोस्तों, जो कि लाइट की कमी है, वीडियो बनाने के लिए काफी लेट हो गया, लेकिन काफी क्वेश्चंस इसके ऊपर आ रहे थे तो मैंने सोचा सुबह का इंतजार क्यों करना, लाइट कम में ही वीडियो बना देता हूँ, आप प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। और इसके अलावा दूसरी चीज ये है कि कंपनी ने, मारुति वालों ने स्विफ्ट के बारे में सारी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो रिवील कर दी हैं, सामने ला दी हैं, लेकिन माफी चाहता हूँ, टाइम नहीं मेरा थोड़ा लगा उसके ऊपर वीडियो बनाने का, लेकिन उन स्पेसिफिकेशंस को मैंने डिजायर के साथ कंपेयर करके थोड़ा आइडिया लगाया कि स्विफ्ट कैसे होने वाली है, उसकी हैंडलिंग कैसे होने वाली है, चलने में वो कैसे होने वाली है, मेंटेनेंस वगैरह के बारे में। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो पहली चीज तो सिमिलैरिटीज की बात करते हैं। अगर हम लोग स्विफ्ट की बात करें तो स्विफ्ट जो है वो डिजायर से बहुत मिलती जुलती है, उसके जो बॉडी है, चैसी है, प्लेटफॉर्म है, वो सारा कुछ डिजायर वाला ही यूज किया गया है, सबसे पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज जो बात करें, उसमें K12 पेट्रोल इंजन जो कि डिजायर में पेट्रोल में आता है, और 1.3 DDIS फीएट का जो इंजन है डीजल में डिजायर में आता है, वही वाले दोनों इंजन पेट्रोल और डीजल में जो हैं वही स्विफ्ट में यूज किए गए हैं, पावर भी सेम प्रोड्यूस कर रहे हैं, और स्विफ्ट का जो वेट है वो भी डिजायर के लगभग नजदीक ही है, 5-10 किलो का ही फर्क है, तो वेट में भी कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, इसके अलावा अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस स्विफ्ट की भी 163 ही है जो कि डिजायर की है, व्हील बेस भी दोनों का सेम ही है, और अंदर जो है बैठने वाली स्पेस है, जो है सिटिंग स्पेस है, वो भी स्विफ्ट में डिजायर जैसी ही आने वाली है। तो इससे पता चलता है कि स्विफ्ट एक काफी कंफर्टेबल कार होने वाली है। स्विफ्ट में भी 14 इंच जो नॉर्मल व्हील्स हैं, रिम के रिम आने वाले हैं, और 15 इंच एलॉयज आने वाले हैं डिजायर की तरह ही। तो ये सारी चीजें देखकर यही पता चलता है कि स्विफ्ट भी एक अच्छी कार होने वाली है, जैसे डिजायर एक अच्छी कार है, कंफर्टेबल कार है, हैंडलिंग भी कार की अच्छी है, और माइलेज जो है स्विफ्ट की वो डिजायर के नजदीक ही होगी, क्योंकि उसका जो है वेट है वो भी जो है लगभग डिजायर जितना ही है। सो इन चीजों के साथ हम लोग ये आइडिया अच्छी तरह लगा सकते हैं कि स्विफ्ट एक अच्छी कार होने वाली है, जैसे कि मैंने आपको बोला। तो चलिए दूसरी तरफ चलते हैं कि डिजायर में कौन सी चीजें बेटर हैं, जो अभी तक आइडिया लगा है उसके अकॉर्डिंग है ये, तो कौन सी चीजें आपको ज्यादा अच्छी मिलेंगी। सबसे पहली तो डिजायर जो इंटीरियर है वो ड्यूल टोन कलर में आता है, जो कि स्विफ्ट के सिंगल टोन कलर से काफी बेहतर लगता है देखने में, वुडन फिनिशिंग डिजायर में ज्यादा बेटर लगती है, और अंदर से डिजायर जो है ज्यादा लग्जरी लुक देती है, ज्यादा रॉयल लुक देती है। सो ये सबसे पहला रीजन है, जो भी पिक्चर्स के माध्यम से या वीडियोस के माध्यम से नई स्विफ्ट को देखा है तो उसके अकॉर्डिंग स्विफ्ट उतनी ज्यादा अच्छी अपील नहीं कर रही है जितनी अच्छी डिजायर वीडियोस में अपील कर रही थी या पिक्चर्स में अपील कर रही थी। और अगर नंबर टू पे बात करें तो जो बैक सीट जो कंफर्ट है वो डिजायर का बेटर है स्विफ्ट के बजाय, जैसे कि क्यों है मैं आपको बताता हूँ। वैसे स्पेस वगैरह सारा कुछ बराबर है, लेग रूम भी बराबर है, लेकिन स्विफ्ट में आपको डिजायर में जो है रियर सीट हेडरेस्ट जो है वो वी वेरिएंट से मिलते हैं, लेकिन स्विफ्ट में जेड वेरिएंट से मिलते हैं। डिजायर में आपको रियर एसी वेंट मिलता है, स्विफ्ट में जो है रियर एसी वेंट किसी भी वेरिएंट में नहीं है, इसमें जो है वी वेरिएंट से स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा रियर आर्म रेस्ट जो है आपको डिजायर में मिलती है, लेकिन वो स्विफ्ट में नहीं मिलेगी आपको। तो रियर आर्म रेस्ट जो है काफी अच्छा जो फीचर होता है पीछे बैठने वालों के लिए, काफी ज्यादा कंफर्ट लेवल को वो लॉन्ग जर्नी में अगर पीछे दो लोग बैठते हैं तो बढ़ा देती है। इसके अलावा एक और चीज जो मुझे अच्छी नहीं लगी, और मेरे पास पहले शेवरले बीट थी, उस एक्सपीरियंस के कारण अच्छी नहीं लगी, उसका वो क्या चीज है, जो बैक डोर है उसके जो हैंडल्स हैं इन्होंने सी पिलर में कर दिए, मतलब सी पिलर मतलब यहाँ पे कार के यहाँ पे बाहर वाली साइड पे कर दिए।
अच्छा उससे क्या है, अच्छी स्पोर्टी लुक कार को मिलती है, ये बात अच्छी है, आपने ये चीज बीट में भी देखी होगी। लेकिन उसका नुकसान क्या होता है कि वो डोर हैंडल्स यहाँ पे, ये वाला जो एरिया है, ये जो आप ग्लास देख रहे हैं यहाँ पे जो है ब्लैक कलर के प्लास्टिक कवर होता है, तो वो पिछला जो एरिया होता है वो इतना रूमी फील नहीं होता, बाहर जो है देखने में जो है वो सामने आता है तो इतना अच्छा फील नहीं होता, वो कहीं ना कहीं जो पीछे बैठे हुए पैसेंजर है उनके व्यू को जो खराब करता है और कम करता है। तो ये चीज मुझको बीट में भी पसंद नहीं थी, इसमें भी आई। और इसका एक नुकसान और होता है, जब आप गाड़ी को चला रहे हैं, सपोज आपने गाड़ी खड़ी की, आपने रोड के अंदर मर्ज करना है या यू टर्न लेना है, तो आप जब साइड से देखेंगे तो आपको वो पीछे वाली जो विंडो, ये वाली मैंने आपको कहा है, यहां से आप नहीं देख पाएंगे दोनों तरफ, तो उससे क्या होता है कि रोड का व्यू भी ब्लॉक होता है, काफी ब्लॉक होता है। शायद आपको ऐसे समझने में थोड़ा लग रहा होगा कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैंने बीट चलाई है तो उसमें ये प्रॉब्लम काफी आती थी, जब गाड़ी को बैक करते थे तो साइड से रोड दिखाई नहीं देती थी, तो ये भी प्रॉब्लम आने वाली है, जो कि एक काफी बड़ी प्रॉब्लम चलाने के लिए, कम्फर्ट लेवल के लिए होती है। अच्छा अगला जो रीजन है, जो स्विफ्ट में है 268 लीटर्स का आपको बूट स्पेस मिलेगा, जो कि डिजायर में 378 लीटर्स का है, तो श्योरली डिजायर में बूट स्पेस भी ज्यादा है, आप ज्यादा लगेज वहां पे रख सकते हैं। और इससे अगला रीजन है, शायद आप आई डोंट नो आपके लिए रेलिवेंट आपको लगे या नहीं लगे, लेकिन इंडियन मेंटेलिटी के हिसाब से जो सेडान कार है वो ज्यादा लग्जरी लुक देती है, ज्यादा महंगी लुक उसको मतलब रॉयल गाड़ी ज्यादा मानी जाती है एज कम्पेयर टू हैचबैक। तो ये भी एक चीज है कि जो डिजायर है वो देखने में भी लोग ज्यादा उसको पसंद करेंगे, क्योंकि वो एक सेडान कार है और वो देखने में ज्यादा महंगी जो है अपनी लुक को दिखाई देगी। तो इस वीडियो में जैसे हमने अब तक देखा कि अगर आपको ज्यादा बेटर ऑप्शंस मिल रहे हैं, कार की लुक बेटर मिल रही है और दोनों कारों की मेंटेनेंस बिल्कुल सेम होने वाली है, क्योंकि सेम इंजन है, सेम प्लेटफॉर्म है, दोनों कारें में ही जो सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड हैं, सेफ्टी की तरफ से भी दोनों कारें अच्छी हैं, तो मैंने जैसे अपनी पिछली क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में बोला था कि अगर इनका प्राइस डिफरेंस 35,000 के नजदीक हुआ, 30-35,000 के नजदीक हुआ, तो फिर तो डिजायर लेनी ही ज्यादा वाइज डिसीजन है। लेकिन अगर प्राइस डिफरेंस 50,000 से ज्यादा हुआ तो फिर जो है स्विफ्ट भी एक अच्छा जो ऑप्शन बन जाता है डिजायर के सामने। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, और अगली वीडियो में मैं आपको टोटल स्पेसिफिकेशंस जो है, सॉरी कार की लाइट बंद हो गई थी, तो अगली वीडियो में मैं आपको सारी स्पेसिफिकेशंस जो है स्विफ्ट की जो कंपनी ने बताई हैं, और वेरिएंट टू वेरिएंट छोटे से छोटा जो है फीचर से लेके बड़े से बड़ा फीचर वो सारे ही आपको बता दूंगा, ताकि आप जो है वेरिएंट्स को भी आप जज कर सकें कि आपके लिए एक बेटर वेरिएंट कौन सा होगा। अगेन थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।